رحم الله من كره الفاتحة दुआ है खुदावंद आलम सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद का आप तमाम हजरात का यहाँ आना बनयान मजलिस का इस फैज़ा को बिछाना अपनी बारगाह में मंजूर मकबूल फरमाए। आप जितने अहबाब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, जितनी हाजतें लेकर आए हैं, मौला आपकी हाजतें पूरी फरमाए। परेशान हाल हैं, मौला परेशानियाँ दूर फरमाए। जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ गैर से अदा हो जाए। जो बेरोज़गार हैं मौला इज़्ज़त वाला रोज़गार अता फरमाए। जो बारोज़गार हैं मौला रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। जो हज ज़ियारात के मुश्ताक हैं मौला हज ज़ियारात नसीब फरमाए। जो बे औलाद हैं मौला औलाद नरीना अता फरमाए। जो बा औलाद हैं उनकी औलाद को नेक पाक और साले बनने की तौफीक अता फरमाए। जो बीमार हैं मौला शिफाए कामिल व आइला नसीब फरमाए। मरहूमिन आपके बानियान मजलिस के बिलखसूस मरहूमा मकबूरा सैयदा ज़ैनब आलिया गर्देज़ी बिनते सैयद मकबूल अहमद शाह गर्देज़ी मरहूम, इस ख़ानदान के दीगर तमाम मरहूमिन, आपके तमाम मरहूमिन और वो जिनका कोई दुआ करने वाला नहीं रह गया, अल्लाह सब की कबर और मैशर की मनाज़िल आसान फरमाए। शिफ़ात मोहम्मद वाले मोहम्मद नसीब हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जन्नतों में आला मकाम अता। लाखों दुआओं की एक ही दुआ, वारिस ज़माना का ज़हूर जल्द हो जाए, हम मौला के नौखों चाकरों में शुमार हों। इमाम की कुर्बत नसीब हो, दूरी नसीब ना हो। खात्मा बिलखैर हो अकायद हक़ा के साथ। अल्लाहुम्मा कुन लवली कल हुज्जत इब्न हसन सलावातुक अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहिस साअत व फी कुल साअत मिन साअत लैल व नहार वलियम व हाफिज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व आयना हत्ता तुस्किनहू व अरज़क़तहू अन व तुमत्तिअहू फीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम व साहिल मखरजहुम व हल उक़दूहुम मिनल जिन्नि वल इंसि मिनल अव्वलीन वल आख़िरीन या काशिफ़ल कर्बि अन वज्हिल हुसैन अलैहिस्सलाम। इक्शिफ कर्बी व कर्बल मुमिनीन बिहक़ अख़ीकल हुसैन अलैहिस्सलाम। ऐसी सलावात पढ़ें कि तमाम दुआएँ मुस्तजाब। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده قصرت رؤيته أبصار الناظرين وعجزت ناطقه أوهام الواصفين وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الشرفاء الذين أصحب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان صلوات بر محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد پھر بھی ایک دفعہ مل کے باواز بلند صلوات پڑھ رہے ہیں सामने मोहतरम इसाले सवाब के सिलसिले में मजलिस ज़ा का इनेकाद है। खुदावंद आलम मरहूमा के गुनाह ने सगीरा और कबीरा को माफ़ फरमाए और उनकी कबर और मैशर की मनाजिल को आसान फरमाए। शिफात मोहम्मद वाले मोहम्मद नसीब हो। एक दुआ है कि जिस दुआ के लिए हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और ये दुआ शरीयत मुस्तफ़ा में बड़ी अहमियत की हामिल है। इंसान की ज़िंदगी
बजुस बंदगी के कुछ नहीं है और बंदगी बजुस दुआ के कुछ नहीं है। दुआ शान बंदगी है, रूह बंदगी है, हयात बंदगी है। खुदावंद आलम को अपनी इबादतों में से जो चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है उसका नाम है दुआ। तवज्जो फरमाइएगा, उसने इंसान का मकसद तख्लीक इबादत बयान फरमाया है। इस इंसान को मैंने खल्क इसलिए किया कि ये मेरी इबादत करे। वमा खलकतुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, बनाया इसलिए है कि ये मेरी इबादत करें, मेरी बंदगी करें। और उस इबादत और बंदगी में जो चीज़ सबसे ज़्यादा खुदा बंदे आलम को पसंद है वो चीज़ है दुआ। और उसकी वजह यह है कि दुआ का मांगना खुद उस पर ईमान होने की दलील है। तवज्जो फरमाइए, मांगा उसी से जाता है कि जिसके अता करने पे ईमान हो, उसी के अता करने पे ईमान होता है जिसके होने पे ईमान हो। तो दुआ का मांगना, हाथों का उठाना इस बात की दलील है कि हमारे दिल में उसके होने का एहसास भी है और उसके अतागर होने का यकीन भी है। ये दुआ इस कदर अहम तरीन चीज़ है कि अगर आप आइम्मा की ज़िंदगी पर गौर फरमाएंगे तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि वो आइम्मा के जिनके ज़िम्मे तंजीम आलम की ज़िम्मेदारी है, मेरे लफ्ज़ों पे गौर रहे, वो इमाम के जिनके ज़िम्मे तंजीम आलम की ज़िम्मेदारी है। हमारे यहाँ इमाम मस्जिद का इमाम नहीं होता, गली मोहल्ले का इमाम नहीं होता, इलाके का इमाम भी नहीं होता, मज़हब व मसलक का इमाम भी नहीं होता। हमारे यहाँ इमाम के बारे में कहा जाता है अल इमाम मन इफ्तरज़ल्लाहु ताअतहु अलल आलमीन, इमाम उसे कहते हैं जिसकी इताअत आलमीन पे फ़र्ज की गई है। या सलामत रहे, मौला कुदरत अता फरमाए। दुनिया को इदराक ही नहीं है कि इमाम की इताअत और इमाम का इख्तियार कहाँ तक है। जिन्हें अपने गली मोहल्ले में कोई नहीं जानता वो कहते हुए नज़र आते हैं कि ये हम जैसे हैं। जहाँ तुम्हारा तसव्वुर नहीं जाता वहाँ तक इमाम की इताअत जाती है। हाँ हाँ, अभी तो दुनिया का वो तसव्वुर कि वो दुनिया का हिस्सा जितना इस कायनात का वो हिस्सा जो दरियाफ्त हो चुका है, जो साइंसदानों ने दरियाफ्त कर लिया है, जो उनके इल्म में आ गया है, उसका इहाता ही हमारा ये महदूद जहन नहीं कर सकता। मतलब अगर मैं, वैसे तो इसके ऊपर मेरी मजलिसें मौजूद हैं, अगर मुख्तसर सा खाका अपने दोस्तों के सामने बयान कर दूं तो जिस ज़मीन पे आप रह रहे हैं इस ज़मीन से 10 लाख गुना बड़ा है वो सूरज जिससे आप रोशनी हासिल करते हैं। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, इस ज़मीन के मुकाबले में 10 लाख गुना बड़ा ये आफ्ताब है जिससे आपका लैल व नहार वाबस्ता है। इस आफ्ताब से आगे एक और आफ्ताब है जिसका नाम ईटा कोरेनाइन है। वो आफ्ताब हमारे इस आफ्ताब के मुकाबले में 50 लाख गुना बड़ा है। तवज्जो है, उससे आगे एक और सूरज है जिसका नाम वी वाई कैनस मेजोरसिस है। वो हमारे सूरज के मुकाबले में 3 करोड़ गुना बड़ा सूरज है। और ऐसे 100 अरब सूरज मिलाकर एक कहकशां बनती है। परेशान हो रहे हैं आप अहबा, ये जिस कहकशां में हम रहते हैं, इस कहकशां में अगर आप किसी ऐसी सवारी पे बैठ जाएं जो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करे, रोशनी की रफ्तार से, और रोशनी की रफ्तार जानते हैं क्या है, मैं नंबर्स में बयान करूं तो शायद समझना मुश्किल हो जाए, कोई ऐसी सवारी जो ज़मीन के गिर्द 1 सेकंड में 7 चक्कर लगा सके, 1 सेकंड में ज़मीन के गिर्द 7 चक्कर लगा सके, इसे कहते हैं रोशनी की रफ्तार। कोई इस रफ्तार वाली सवारी में बैठे तो उसे सिर्फ हमारी कहकशां अबूर करने के लिए 1 लाख साल चाहिए। तवज्जो है, और ये कहकशां तमाम कहकशाओं में छोटी कहकशां है। ऐसी भी कहकशाएं मौजूद हैं कि जिनका सफ़र करने के लिए 60 लाख साल नूरी साल चाहिए। तवज्जो है, और ऐसे 47,000 कहकशाएं मिलाकर एक क्लस्टर बनता है, और 100 क्लस्टर को मिलाएं तो एक सुपर क्लस्टर बनता है, 100 करोड़ सुपर क्लस्टर मिला के एक आलम बनता है। और ऐसे 18,000 आलमीन हैं, और 18,000 आलमीन के हर जर्रे पर जिसकी इताअत वाजिब हो उसे इमाम ज़माना कहा जाता है। या
जो कभी अपने गली मोहल्ले से बाहर नहीं निकल पाए वो ये फतवे देते हुए नजर आते हैं, ये हम जैसे हैं और यहाँ इनका इख्तियार रुक जाता है। जहाँ से तुम्हारा इदराक रुक जाए वहाँ से आगे इनकी इताअत सफ़र करती है। तो हमारे यहाँ वो इमाम के जिनकी इताअत आलमीन पे फ़र्ज़ है, जिनके ज़िम्मे तंजीम आलम की ज़िम्मेदारी है, अगर आप उन आइम्मा की ज़िंदगी को देखेंगे तो आपको कभी कभी यूँ महसूस होने लगेगा जैसे इन्होंने सारी ज़िंदगी दुआ के सिवा कुछ किया ही नहीं है। हर वक्त हर लम्हे सूरज तलू हो गया तो उसकी दुआ, सूरज जवाल पे पहुंच गया तो उसकी दुआ, सूरज गरूब हो रहा है तो उसकी दुआ, निस्व शब है तो उसकी दुआ, घर से जा रहे हो तो उसकी दुआ, घर आ रहे हो तो उसकी दुआ, अपने कारोबार पर पहुंच गए हो तो उसकी दुआ, कोई महीना शुरू हो गया तो चांद तलू होने की दुआ, चांद निस्व पे पहुंच गया तो उसकी दुआ, महीना इख्तिताम पे पहुंच रहा है उसकी दुआ। बल्कि हमारे दो आइम्मा तो ऐसे हैं कि जिनकी बाकायदा दुआओं के मजमूए सहीफ़ा अलविया और सहीफ़ा सज्जादिया की सूरत में मौजूद हैं। तवज्जो है अज़ान मोहतरम। और अगर आप इन दुआओं की इन किताबों का मुतालिया फरमाएं, नौजवानों से अर्ज़ कर रहा हूँ, बुज़ुर्ग बहुत बेहतर जानते हैं और यकीनन मुतालिया भी रखते होंगे, अगर आप इन किताबों को खोलेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा वो दर्द है ही नहीं कि जिसकी दवा दुआ की सूरत में ना बता दी गई है। हाँ हाँ, कोई दर्द नहीं है दुनिया का ऐसा। वो आपका कोई ज़ाती दर्द है या आपका कोई मुआशरती दर्द है, आपकी कोई ज़ाती तकलीफ़ है या आपकी मुआशरती तकलीफ़ है, हर एक तकलीफ़ के लिए दुआ उसमें मौजूद है, हर मुश्किल के हल के लिए दुआ उसमें मौजूद है, हर मसले के हल के लिए दुआ उसमें मौजूद है, आपके अपने लिए दुआएं मौजूद हैं, बहन भाइयों के लिए दुआएं मौजूद हैं, वालिदैन के लिए दुआएं मौजूद हैं, मुआशरे के अहबाब के लिए दुआएं मौजूद हैं, जालिम हुक्मरान से मुकाबला हो जाए उसके लिए दुआएं मौजूद हैं। वो कौन सी मुश्किल है कि जिसके लिए हथियार दुआ की सूरत में दे नहीं दिया गया। सलामत रहे वाला गुजर जाता फरमा, हर लम्हे हर जगह दुआ ही दुआ है, दुआ ही दुआ है, बार बार दुआ की तरकीब दिलाई गई है। और ये दुआ इतना अहम तरीन मजमून है, ये इस कदर अहम तरीन चीज़ है कि इससे इस्तिस्ना किसी को हासिल नहीं है, ना किसी नबी को ना उम्मती को। तवज्जो अज़ान मोहतरम, दुआ से इस्तिस्ना किसी को हासिल नहीं। मैंने किसी मंजिल तक अपने दोस्तों को लेकर जाना है, दुआ की महफिल है ना, दुआ से इस्तिस्ना किसी को हासिल नहीं है, चाहे वो अम्बिया हैं या वो अम्बिया की उम्मत है। हज़रत आदम से लेकर जनाब ईसा तक की दुआएँ आपको कुरान मजीद में मिलेंगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पे भेज दिए गए और अब ज़मीन पे पहुँच के इतना गिरिया फरमाया कि यहाँ तक लिखा गया कि गढ़े आंसुओं से भरने लगे। बल्कि उलमाए कराम तशरीफ़ फरमा है, जिस शहर में हरम है उस शहर का नाम मक्का है, लेकिन वो जो काबे की छत के नीचे की ज़मीन है उस ज़मीन का नाम बक्का है। तवज्जो है अज़ान मोहतरम। और ये मैं नहीं कह रहा, खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, इन अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकम वहुदल लिलआलमीन। हमने जो पहला घर इंसानों के लिए ज़मीन पे वज़ा किया वो सरजमीन बक्का पर है और वो आलमीन के लिए हिदायत है। वो जो ज़मीन छत के नीचे है उसे बक्का कहते हैं। ये बक्का निकला है बुका से, वहाँ पर बैठ के आदम रोए इतने कि उस जगह का नाम ही बक्का हो गया, रोने की जगह। तो साबित तो ये भी हो गया कि रोना बिद्दत नहीं है। नहीं तवज्जो फरमा रहे अज़ान मोहतरम, रोना बिदअत नहीं है, क्योंकि पहला फ़र्द जब ज़मीन पे आया तो ज़मीन पे आके उसने पहला काम ही रोने का किया। और फिर अजब ये है कि हमारे काले लिबासों पे भी फतवे होते हैं, और अजब ये है कि जहाँ पे बैठ के वो रोया अल्लाह ने वहाँ जो घर बनाया उसे काला लिबास ही पहनाया। सलामत रहे मौला को ज़्यादा फरमाए उस या वो सरजमीन सरजमीन बका। हज़रत आदम रो रहे हैं और सिर्फ रो नहीं रहे, साथ साथ दुआ है, रब्बना ज़लमना अनफुसना फ़ाइल्लम तग़फिर लना वला तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ मेरे अल्लाह, हमने अपने नफ्सों पे ज़ुल्म कर लिया है और अगर तू नहीं बख्शेगा और तू रहम नहीं करेगा तो तेरे सिवा कौन है जो रहम कर सकता है। अल्लाह अकबर। न सिर्फ दुआ सिखाई बल्कि तहजीब दुआ भी बताई। जब लगर दे साहब, सिर्फ दुआ नहीं तहजीब दुआ भी है। तहजीब दुआ क्या है? हज़रत आदम सिखा रहे हैं कि जब खुदा के सामने पेश हो जाओ तो पहले खुद पर एतराफ़ जुर्म करो। तवज्जो अज़ान मोहतरम, पहले उसके सामने आजिज़ी का इजहार, पहले उसके सामने एतराफ़, पहले उसके सामने सरनगू होना है, उसके बाद उसकी हमद व सना बयान करनी है। और मेरे अगले जुमले पे गौर रहे, पहले एतराफ़ जुर्म, फिर उसकी हमद व सना, और फिर हाथ उठा के मांगना है तो उसकी शान के मुताबिक मांग लिया जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जिसके यहाँ जितनी उसकी मारिफत बुलंद है वैसा उससे मांगेगा। रब्बना ज़लमना अनफुसना, हज़रत आदम दुआ मांग रहे हैं। कुछ और आगे चले तो फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में है और उस कश्ती में
जितने बैठे हैं वो सारे कश्ती को सफीना निजात समझ के बैठे हैं, नूह को नजीउल्लाह समझ के बैठे हैं। हर कोई कश्ती में बैठे हुए एक दूसरे से ये कह रहा है कि सुनो, नजीउल्लाह हमें बचा रहा है, बाकी सारा जहान गर्क हो गया, नजीउल्लाह हमें निजात तक ले जाएगा, ये सफीना निजात है, नजीउल्लाह हमें निजात दिलाएगा। और शायद जनाब नूह के जहन में भी तसव्वुर आया हो कि मैं इनका निजात दहिंदा हूँ, मैं इन्हें इस तूफान से निजात दिला के किनारे तक ले जाऊंगा। इधर उनके जहन में ये तसव्वुर कि नूह निजात दहिंदा है, इधर जनाब नूह के जहन में ये तसव्वुर कि मैं इन्हें बचाए ले जा रहा हूँ, कि यकायक वही सफीना जो सफीना निजात था वो भंवर में आया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वही सफीना निजात भंवर में आया। और सफीना निजात जो भंवर में आया, बैठे हुए हर शख्स ने हजरत नूह की जानिब निगाह की कि आपने तो कहा था कि मैं तुम्हें निजात दिलाऊंगा, ये सफीना निजात है, मैं नजीउल्लाह हूँ। और अजब मामला है कि यही सफीना निजात खुद भंवर में आ गया है, ये सफीना निजात खुद मुश्किल में आ गया है। तो अब क्या होगा? तवज्जो अज़ान मोहतरम, खुदा बंदे आलम की तरफ हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कि मेरे अल्लाह, मैं तो नजीउल्लाह था, ये सफीना निजात था, और आपने कहा था ये कश्ती निजात की कश्ती है, आप इस कश्ती में और कश्ती में बैठने वालों को निजात दिलाएंगे। तो बईद नहीं, आवाज़ कुदरत आई होगी, नूह यही तो याद दिलाना चाह रहा था कि निजात दहिंदा तुम नहीं, मैं हूँ। तवज्जो तवज्जो अज़ान मोहतरम, ये निजात मैंने दिलानी है, ये जितने बैठे हुए हैं इनके लिए तुम निजात दहिंदा हो, लेकिन तुम्हारे लिए निजात दहिंदा मेरी जात है, मैंने निजात दिलानी है। तो मेरे अल्लाह, यकीनन निजात दिलाने वाला तू है। तो फिर नूह, दुनिया वालों को बताओ ना, जरा हाथ दुआ के लिए उठाओ। अल्लाह अकबर। और यहाँ पे जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ है, वो हर मुश्किल में फंस जाने के लिए उस दुआ को तालीम फरमाया गया है कि जब मुश्किल में हो तो कसरत से इस दुआ की तिलावत करो। लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ दुआ का वो पहला जुमला बता रहा हूँ जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तिलावत फरमाया। कोशिश करूंगा तकरीर की आखिर में दुआ मुकम्मल कर दूं ताकि बात मेरे दोस्तों तक पहुंच जाए। या रब्बे इन्नी मखलूबुन फंतसिर, मैं मखलूब हो गया, तू ही मदद करने वाला है, मेरी मदद फरमा। निजात दहिंदा नजीउल्लाह खुदा से कह रहा है कि तू ही मदद करने वाला है, मेरी मदद फरमा। बात आगे बढ़ी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दौर आया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भी क्या कहने, खुदा का घर तामीर किया। तवज्जो अज़ान मोहतरम, व इस जरफा इब्राहिम अलकवाइद मिन अलबैत व इस्माईल, जब इब्राहिम और इस्माईल ने मेरे घर की दीवारों को तामीर कर दिया तो क्या फरमाया, रब्बाना तकब्बुल मिन्ना इन्नका अंता समीउल अलीम, ए मेरे अल्लाह हमारी सही को कबूल फरमाना, बेशक बेहतरीन सुनने वाला भी तू है, बेहतरीन जानने वाला भी तू है। और उसके बाद अब ये काम कर लिया, उसे सुनने और जानने वाला भी कह दिया, उसे उसकी हमदो सना भी बयान कर दी, और उसके बाद दुआ मांग रहे हैं, रब्बाना वजा अल्ला मुस्लिम लक, ए मेरे अल्लाह हम दोनों बाप बेटों को मुस्लिम बना दे। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला कुदरत अता फरमाए। क्या है अब यहाँ पे दुआ है, यहाँ पे तलब है, लेकिन याद रखना, कभी वक्त हुआ तो इस पर गुफ्तगू करूंगा, ये तुम जैसा मुसलमान होने की दुआ नहीं मांगी जा रही। वो नबीउल्लाह है, वो खलील खुदा है, वो रसूल है, वो साहिब शरीयत है, वो इमाम है, वो आप जैसा मुसलमान होने की दुआ नहीं मांग रहा। हाँ, अगर एक जुमले में समझा के आगे गुजर जाऊं तो वो जुमला ये हो सकता है, उसने मुसलमान होने की नहीं मुस्लिम होने की दुआ मांगी है। और समझ जाओ तो इतना जुमला काफी हो जाएगा, कूफे में मुसलमान बहुत थे, मुस्लिम एक था। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, वाला गुजर देता फरमा, वो कोई एक गिरोह है। अल्लाह, वो कोई एक गरोह है जिस गरोह के बारे में हजरत इब्राहिम ख्वाहिश कर रहे हैं, और सिर्फ अपने बारे में ख्वाहिश नहीं फरमा रहे, यकीनन वहां से सनद आई होगी कि तुम्हारी दुआ कबूल है, तो फिर और आगे बढ़े, क्योंकि जितनी कबूलियत होती जाए इतना हौसला बढ़ता चला जाता है। पहले फरमाया मुझे और मेरे बेटे को बना दे, फिर फरमाया रब्बना वजा अल्ला मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रियतना उम्मतन मुस्लिमतन लक, और फिर मेरी ज़ुर्रियत में भी उस मुस्लिम जैसा पूरा गरोह रख। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सलामत रहे। वब असफीहिम रसूलम मिनहुम, और फिर उन्हीं में से एक को रसूल बना दे। तवज्जो अज़ान मोहतरम, वो मुस्लिम का गरोह है, उन्हीं में से एक को रसूल बना दे। इसका मतलब ये हुआ, रसूल एक मुस्लिमीन का गरोह है जिसमें से रसूल बनाया गया, तो फिर ये तस्लीम करना पड़ेगा जिन में से रसूल बना है वो ऐलान रिसालत से पहले के मुस्लिम है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला को ज़्यादा फरमाए। लफ्ज़ आते जा रहे हैं तो मैं बयान करता जा रहा हूँ दोस्तों के सामने। बहरहाल एक दुआ है कि हमें मुस्लिम बना दे, हमारी ज़ुर्रियत में भी एक पूरा गरोह रख दे कि जो गरोह मुस्लिम होना चाहिए। और फिर उसके बाद एक दरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और फिर उसके बाद मजीद आगे बात बढ़ी कि जब एक इम्तिहान में कामयाबी नसीब हुई
तो उस इम्तिहान के बाद वहां से आवाज आई, वइज़्तला इब्राहिम रब्बहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना। कामयाब हुए इम्तिहान में, 100% नंबर लेके कामयाब हुए। काला इन्नी जाइलुक लिन्नास इमामा, ए इब्राहिम हम तुम्हें लोगों का इमाम बना रहे हैं, हम तुम्हें लोगों का इमाम बना रहे हैं। और अब जानते हैं ना कि दुआ मकबूल होती है तो फिर हाथों को उठा के कह रहे हैं काला व मिन ज़ुर्रियती, ऐ मेरे अल्लाह इस इमामत को मेरी ज़ुर्रियत में करार दे दे। तो जब इमामत को ज़ुर्रियत में करार देने की बारी आई तो फिर वहां से आवाज आई कि जरूर करार दे देंगे, लेकिन ला जनालो अहद ज़ालिमीन, हमारा ये ओहदा किसी जुल्म करने वाले तक नहीं पहुंचेगा। अल्लाह अकबर, सलामत रहें। बहरहाल एक मंजिल दुआ है जिससे इब्राहिम जैसा खलील उस मंजिल दुआ से गुजर रहा है। बात आगे बढ़ी, जनाब ज़करिया दुनिया पे तशरीफ लाए, और अब जनाब ज़करिया हैं कि औलाद नहीं है, तवज्जो है, अल्लाह का नबी है और औलाद नहीं है, और खुदा बंदे आलम के हुजूर हाथ दुआ के लिए उठा के फरमा रहे हैं रब्बे ला तज़िरनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन, ऐ मेरे अल्लाह मुझे इस दुनिया में तनहा न छोड़ना, मुझे वारिस अता करना, गो के बेहतरीन वारिस तू ही है। अल्लाह अकबर, अंत खैरुल वारिसीन, बेहतरीन वारिस तेरी जात ही है। लेकिन ये दुनिया के मामलात हैं, जिन मामलात के लिए इस दुनिया में भी एक वारिस चाहिए, मैं क्या क्या बयान करूं। बात आगे बढ़ती चली गई, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी दुआ मांग रहे हैं रब्बे अंजिल अलैना माइदा मिन समा, ऐ अल्लाह हमारे लिए आसमान से खाना नाजिल फरमा, तवज्जो है, ताकि मेरी कौम के लिए ईद हो जाए। हर नबी दुआ मांगता चला आ रहा है, लेकिन एक मंजिल ऐसे आई कि आदम से लेकर ईसा तक हर एक ने अपनी मर्जी से दुआ मांगी, लेकिन आखिर में वो आया जो इतना खुददार था जिसे दुआ मंगवाने के लिए भी उसे कहना पड़ा कुल। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला कुदरत अता फरमा। हाँ हाँ, मैं कई जगह पे अर्ज कर चुका हूं कि ये वो घराना है जो खुदा से खरीदने का आदी है, जो खुदा से खरीदता है, लेकिन दुआ की मंजिल पर खुदा चाहता है कि इन हस्तियों की जबान से भी दुआ जारी हो। तो फिर उन्हें कहलवाया गया कुल रब ज़िदनी इल्म, जो है जो हबीब की दुआ है अल्लाह के हबीब की कुरान मजीद में, वो क्या है कुल रब ज़िदनी इल्म। लेकिन यहां पे याद रहे ये लफ्ज़ कुल आया ही पहले इसलिए है कि दुनिया वालों को बताया जाए कि ये जो मांग रहे हैं वो तुम्हें मांगने का सलीका सिखा रहे हैं। अल्लाह अकबर, वरना इनकी खुदा के यहाँ वो मंजिल है, वो मरतबा है या कि जहां पे मांगने वाला मामला नहीं है, ये तो खुद दुनिया को अता करने वाले हैं, ये तो खुद दुनिया को बांटने वाले हैं। बल्कि चलें एक और बात से वाजे कर देता हूं ताकि मसला ही खत्म हो जाए, मुझे बहुत ज्यादा लंबी तफसीलात में चीजों को ना लेके जाना पड़े। एक दुआ ऐसी है कि जो हर मोमिन पर दिन में 10 दफा मांगना वाजिब है, तवज्जो पढ़े लिखे दोस्त तशरीफ फरमा, हर मोमिन पर दिन में 10 दफा उस दुआ का मांगना वाजिब है। और वो दुआ क्या है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, सिरातल लजीन अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूब अलैहिम वलद्दालीन, ऐ मेरे अल्लाह, तर्जुमा अपना अपना है, किसी ने कहा कि हमें वो रास्ता दिखा, किसी ने कहा हमें उस रास्ते पे कायम रख, जिन्होंने देख लिया उन्होंने कायम रहने की बना ली, तवज्जो है, जरा शामिल हो जाएंगे मेरे साथ, जिन्होंने देखा हुआ है वो कायम रहने की दुआ मांग रहे हैं, जिन्होंने अभी देखना है वो उस रास्ते पे आ जाने की दुआ मांग रहे हैं, अपनी अपनी जगह है, अपनी अपनी नसीब है, कोई देखने की दुआ मांग रहा है, कोई कायम रहने की दुआ मांग रहा है, लेकिन क्या सिरात अल्लज़ीना, उन लोगों का रास्ता, अनअमता अलैहिम, जिन पे तेरा इनाम हुआ है, गैरिल, और यहाँ पे ये भी ख्याल में रहे कि तर्जुमा ये नहीं बनेगा कि वो के जिन पे तेरा इनाम हुआ है, ना कि उनका जिन पे तू गज़बनाक हुआ है, नहीं नहीं, तर्जुमा ये बनेगा उनका रास्ता जिन पे तेरा इनाम हुआ है, और वो गरोह वो है जिस पे ना तू कभी गज़बनाक हुआ है ना वो कभी गुमराह हुए है। अल्लाह अकबर, सलाम या, ये एक ही गरोह की तीनों निशानियाँ हैं, ये एक ही गरोह की तीनों निशानियां हैं, इनाम भी उन्हीं पे है, अल्लाह गजबनाक भी कभी उनसे नहीं हुआ और ना वो कभी गुमराह होने वालों में शामिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जिस वजह से मैंने ये अर्ज किया, मेरा सवाल अपने मोहतरम दोस्तों से ये है कि हम तो यहाँ पे जो अमूमी तसव्वुर है वो तो यही है कि ये अनमता अलैहिम मोहम्मद वाले मोहम्मद है, अमूमी तसव्वुर तो यही है, कभी वक्त हुआ तो खसूसी तसव्वुर पे गुफ्तगू कर लूंगा, लेकिन अमूमी तसव्वुर यही है कि अनमता अलैहिम वो है कि जो मोहम्मद वाले मोहम्मद हैं, जिन पे अल्लाह के इनाम हैं, जिन पे अल्लाह की नेमतें हैं। हम तो दुआ मांगें
कि ऐ अल्लाह हमें मोहम्मद वाले मोहम्मद के रस्ते पे कायम रख। यही नमाज मोहम्मद वाले मोहम्मद खुद भी तो पढ़ते हैं, तवज्जो 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 दाने मोहतरम, यही नमाज वो हस्तियां खुद भी पढ़ती रही हैं, पढ़ाती रही हैं, उनके चाहने वाले उनसे मोहब्बत करने वाले उनके पीछे यही नमाज पढ़ते रहे हैं। हम आज तक उसी सुन्नत पे कायम रह के हम भी वही नमाज पढ़ रहे हैं। तो हम तो दुआ मांगते थे उनके रस्ते की, वो किसके रस्ते की दुआ मांग रहे हैं? तवज्जो तवज्जो सलामत रहे मौला आपके साथ आता फरमा। हम तो दुआ मांग, नारा या तो ना लगाइए या अली जो है ये जरा खुल के कहने की आदत डाल लीजिए। जी जी इस आले सवाब की या ये इस आले सवाब की मजलिस है। इस आले सवाब की मजलिस में आपके सामने अर्ज करता चलूं, कब्र से लेकर मैशर तक, मैशर से लेकर जन्नत तक दरवाजे हैं और हर दरवाजे पे ताला है और हर ताले की एक ही चाबी है जिसका नाम या अली है। सलामत इस नाम को जबान पे जारी करना सीख लीजिए ताकि वहां पे आसानियां हो जाएं, वो मंजिलें आसान हो जाएं। हाँ पता बात किसी और जाने फैल जाएगी, जब कब्र में भी लिटा दिया जाएगा ना और वो सवाल करने वाले आ जाएंगे, वो सवाल करने वाला तुमसे पूछ रहा होगा मन रब्बों का, तुम्हारा रब कौन है, और सरहाने कुर्सी लगी हुई होगी, तुमने उसी को देख के कहना होगा या अली अल्लाह अकबर, और फिर अली फरिश्तों से कहेगा इसका वही रब है जो मेरा रब है। जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, जब रसूल का पूछा जाएगा तो या, और जब रसूल का पूछा जाएगा तो रसूल के बारे में भी अली ही बताएंगे इसका वही रसूल है जो मेरा रसूल है, जो मेरा मौला है। और जब इमाम का पूछा जाएगा तो आप तो आदतन कह रहे होंगे या अली, तवज्जो नहीं फरमाई, मैंने कुछ अर्ज कर दिया दोस्तों के सामने। वही या अली आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। हाँ क्योंकि ये वो वाहिद सवाल है कब्र का जहां पे अली ने नहीं बोलना, जहां पे आपने बोलना है, वरना हर जगह आपका साथ देने के लिए अली मौजूद होंगे। तो इसलिए इस नाम को या तो ऐसे लो जैसे लेने का हक है, या तो हमने तो दुआ मांगी कि एहदिनस सिरात अल मुस्तकीम सिरात अल लजीना अनमत अलैहिम, उनका रास्ता के जिन पे तेरा इनाम हुआ है। अब वो भी तो यही नमाज पढ़ रहे हैं, तो वो किन लोगों के दुआ मांग रहे हैं, वो किन लोगों के रास्ते की दुआ मांग रहे हैं, उनसे बड़ा तो कायनात में है ही कोई नहीं। हाँ हाँ वो तो वो है कि जिन्हें आलीन कहा गया है, उनसे बड़ा तो कायनात में मौजूद कोई नहीं सिवाय उनके खुदा के। तवज्जो है, तो वो फिर क्योंकि ये रास्ता सिरात अल्लज़ीना है, कुछ लोगों का रास्ता है, तवज्जो है, कुछ लोगों के रस्ते की दुआ है, तो फिर कौन लोग हैं जिनकी दुआ वो हजरात मांग रहे हैं? तो अज़ान मोहतरम वो दुआ नहीं मांग रहे होते। अगर समझना हो तो यूं समझ लीजिएगा कि किसी क्लास में बहुत सारे तालिबे इल्म बैठे हुए हों और उस्ताद उस वक्त अपने ब्लैक बोर्ड पे, वाइट बोर्ड आज के दौर में है, उसके हाथ में कलम हो और वो वहां पे ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा हो अलिफ और साथ जबान से अदा कर रहा हो अलिफ। अब बाहर खड़ा हुआ अगर कोई बेवकूफ है तो वो कहेगा उस्ताद पढ़ रहा है अलिफ, लेकिन अगर कोई अकलमंद है तो वो कहेगा उस्ताद पढ़ा रहा है अलिफ। अल्लाह अकबर अल्लाह सलामत रहे मौला आपको। हाँ हाँ पहुंच रही है बात मेरे मोहतरम दोस्तों तक, ये पढ़ने वाले नहीं हैं, ये पढ़ाने वाले हैं। अगर ये एहदिनस सिरात अल मुस्तकीम पढ़ रहे हैं तो ये तुम्हें बता रहे हैं क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। वो इनकी जरूरत नहीं है, वो तुम्हारी जरूरत है, हिदायत तुम्हारी जरूरत है जिसके लिए वो हिदायत कर रहे हैं। और अब ये जितनी दुआएं इन्होंने तालीम फरमाई हैं ये सारी की सारी दुआएं भी आपको सिखाने के लिए हैं। अब अगर कोई बदबख्त आपको ये कहता हुआ नजर आए कि अली हाथ उठा के कह रहे हैं कि ऐ मेरे अल्लाह अंता रब्बुल अज़ीम व अना अब्दुका ज़ईफुल ज़लील, क्या है मेरे अल्लाह तू मेरा अजीम रब है और मैं तेरा ज़ईफ़ व ज़लील बंदा हूं, तो ख्याल रहे ये अली तुम्हें सिखाने के लिए कह रहे हैं कि अपने रब के सामने बात कैसे करनी है। सलामत या
सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। ये आपको सिखाने के लिए है, ये आपको बताने के लिए तरीके हैं दुआ के, कि इस तरह बैठा जाता है अपने खालिक के सामने, इस तरह गुफ्तगू की जाती है अपने रब के सामने। तो ये घराना तो हमें यहाँ पे सिखाने के लिए आया है। बहरहाल दुआ इन्होंने भी हमें सिखाई है कि ऐसे दुआ मांगनी चाहिए। अंबिया भी दुआएं मांगते रहे, और हमें भी क्या हुक्म हो रहा है। मैंने जो सरनामा कलाम में आयत तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, ये सूरह बकरा की आयत है कि जिसमें खुदाबंद आलम अपने हबीब से कह रहा है, ए मेरे हबीब इज़ा सअला का इबादी अन्नी, ए हबीब मेरे बंदे अगर मेरे बारे में सवाल करते हैं, फ़इन्नी करीब, तो इन्हें कह दो मैं करीब हूँ। अल्लाह अकबर, इन्हें कह दो कि मैं, और कितना करीब है, उसने खुद कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, अकरबु अलैका मिन हब्लिल वरीद, तुम्हारी शहरग से ज़्यादा तुम्हारे करीब हूँ। बहुत करीब है, शहरग से ज़्यादा हमारे करीब है। लेकिन वो जो हमारा इतने करीब है, उसने करीब होने के बाद हमसे गुफ्तगू की एक शर्त रखी है। तवज्जो दानी मोहतरम, वो जो हमारे करीब है, उसने करीब होने के बाद हमसे राबते की, हमसे गुफ्तगू की एक शर्त इसी आयत में रखी है। सूरह बकरा है, आयत का निशान 186 है। ये कह देने के बाद कि इन बंदों को कह दो मैं तुम्हारे करीब हूं, लेकिन क्यों और कैसे, फरमाया उजीबो दावत दाए, मैं हर पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूं, लेकिन शर्त क्या है, इजा दान, जब वो मुझे पुकारते हैं। तवज्जो 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 अज़ान मोहतरम, मैं हर एक को जवाब देता हूं, लेकिन शर्त क्या है, पुकारना, जो मुझे पुकारेगा मैं उसको जवाब दूंगा। जवाब हर एक के लिए नहीं, शर्त रखी है खुदाबंद आलम ने। और याद रहे, शर्त वो होती है कि अगर वो मौजूद ना हो तो नतीजा नहीं आता। तवज्जो अज़ान मोहतरम, मसलन इस वक्त ये साउंड सिस्टम आपके सामने मौजूद है, इस साउंड सिस्टम के जरिए मेरी आवाज़ बड़ी होकर आप तक पहुंचनी है, लेकिन शर्त क्या है, इसकी दो शर्तें हैं आवाज़ आप तक पहुंचने की। पहली शर्त यह है कि बिजली हो, तवज्जो है, बिजली होगी तो ये साउंड सिस्टम काम करेगा, वरना अगर वही नहीं तो एक नहीं 10 लगा दीजिए, नतीजा नहीं निकलेगा, आवाज़ आप तक नहीं पहुँचेगी। अगर बिजली भी हो और बोलने वाला ना हो, तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, तो फिर भी नतीजा सामने नहीं आएगा। ये दोनों इसकी शर्तें हैं, बिजली भी होनी चाहिए, जब तक शर्त ना हो उस वक्त तक मशरूत का नतीजा नहीं निकलता। खुदावंद आलम फरमा रहा है मैं पुकारने वालों की पुकार का जवाब देता हूं, लेकिन मेरी शर्त ये है वो पुकारें, इजादान, जब वो मुझे पुकारेंगे तो मैं जवाब दूंगा, वो मुझे पुकारेंगे तो मैं जवाब दूंगा। अब मेरे अल्लाह, तू हमारा खालिक है, तू हमारा रब है, हमारे पास तो वो लफ्ज ही नहीं है जिन लफ्जों के जरिए हम तुझे पुकार सकें। तवज्जो अज़ान मोहतरम, जब हमारी पहचान ही नहीं है, हमारी रसाई ही नहीं है, तू तो है हमारे करीब, हम जो करीब नहीं है, हाय हाय, तू तो है हमारे करीब, हम जो करीब नहीं है, तो करीब आने के लिए तुझे पुकारें तो कैसे पुकारें। वो लफ्ज़ तो हमारे पास होने चाहिए, वो तरीका तो हमारे पास होना चाहिए जिसके जरिए पुकारा जाए। हमारी इस दुनिया का उसूल है, यहाँ पर किसी साहिब मकाम व मरतबा को पुकारना हो तो उससे पहले 10 अलकाबात इस्तेमाल किए जाते हैं। इस फकीर की कोई औकात नहीं है, सिर्फ इज्जत इतनी है कि ज़ाकिर हुसैन हूँ। लेकिन मेरे आने से पहले नाज़िम मेंबर साहब जब मेंबर पर तशरीफ़ लाए तो मेरा नाम लेने से पहले उन्होंने साहब के लहके इस्तेमाल किए, वो कि उनमें से कोई भी मुझ पे पूरा नहीं उतरता, लेकिन बहरहाल उन्होंने इस्तेमाल किया क्योंकि मैं ज़ाकिर हुसैन हूँ। मुझे इस मेंबर पर आके जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद करना था, तो दुनिया के साहिब मरतबा से बात करने के लिए, उसे बुलाने के लिए, उससे पहले 100 अलकाबात इस्तेमाल करने पड़ते हैं। वो तो खालिक है, वो तो हमारा मालिक है, वो तो हमारा रब है। अब जो उसे पुकारना है तो कैसे पुकारा जाए, कोई तो तरीका होना चाहिए पुकारने का। मेरे अल्लाह, हम क्या करें कि हमें वो तरीका ही मालूम नहीं है कि जिसके जरिए तुझे पुकारा जाए। तो फिर आवाज़ आई सूरह एराफ में, वल्लिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, अल्लाह के अस्माए हुस्ना है, उसे उनके जरिए पुकारो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, तवज्जो तवज्जो अज़ान मोहतरम, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, अल्लाह के अस्माए हुस्ना है, उसे उनके जरिए पुकारो। इससे पहले कि अस्माए हुस्ना के बारे में चंद अल्फाज दोस्तों के सामने अर्ज करूं, यहां पे एक पैगाम जरूर देना चाहता हूं। इस आयत के उसलूब को समझिएगा, लिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह के अस्मा, परेशान तो नहीं हो रहे ना आप अहबा, अल्लाह के, अल्लाह के अस्माए हुस्ना है, फदऊहु उसे पुकारो, बेहा इनके जरिए। तवज्जो, समय तो यही जाना चाहिए था, लेकिन अगर वजाहत चाहते हैं तो किए देता हूं। मैं अगर अपने बारे में गुफ्तगू करूंगा तो मैं कहूंगा मेरा नाम बाकिर नकवी है, मुझे इस नाम के जरिए पुकारो। तवज्जो है, यही होगा ना, मेरा नाम बाकिर नकवी है, मुझे इस नाम के जरिए पुकारो। खुदा ये नहीं फरमा रहा मेरे अस्माए हुस्ना हैं,
मुझे इनके जरिए पुकारो। उस रूप पे गौर करिएगा जो अगले जुमले में है, मैं कहूँगा तो मैं कहूँगा मेरा नाम ये है, मुझे इसके ज़रिए पुकारो। जनाब किबला रोशन करदेजी साहब अगर कहेंगे तो ये कहेंगे उनका नाम बाकिर नकवी है, उन्हें इस नाम से पुकारो। तवज्जो है या यूँ समझ लीजिए, मैं अगर कहूँ कि मुझे अगर किसी ने मजलिस के लिए बुलाना है तो मुझसे रब्ता करे, भाईजान अगर ऐलान करें तो कहेंगे अगर किसी ने बाकिर नकवी को बुलाना है तो वो मुझसे रब्ता करे। फ़र्क समझ रहे हैं? आयत ये नहीं कि मेरे असमाए हुसना हैं मुझे उनके ज़रिए पुकारो, कोई कहने वाला कह रहा है उसके असमाए हुसना हैं। वल्लाहिल असमाउल हुसना, अल्लाह के असमाए हुसना है, फदऊ हो उसे पुकारो, बेहा इनके जरिए। लेकिन मशवरा देने वाले का मशवरा कोई इतना हसीन है कि खुदा को इतना पसंद आया कि उसने इस मशवरे को अपना कुरान बना दिया। अल्लाह अकबर, इस मशवरे को अपने कलाम में दाखिल कर दिया है कि उसकी असमाए हुसना है, फदऊ हो बेहा, उसे पुकारना है तो इन असमाए हुसना के जरिए पुकारो। अब जब ये कह दिया गया कि उसे पुकारना है असमाए हुसना के जरिए पुकारना है, तो अब ये असमाए हुसना है क्या जिनके जरिए उसे पुकारना है? तवज्जो तवज्जो मेरे शिया सुनी दोस्त, तशरीफ फरमा है, कुरान कह रहा है ना कि असमाए हुसना है, असमाए हुसना के जरिए पुकारो। अब ये असमाए हुसना क्या है? अब जाए उलमाए कराम के पास तो वो आपके सामने 99 नामों की एक फहरिस्त रखेंगे कि ये उसके असमाए हुसना है, इनके जरिए उसे पुकार लिया जाए। मेरा एक तालिब इल्म का सवाल है, अगर ये जो लिखे हुए हैं ये असमाए हुसना हैं तो फिर असमा क्या है जिनमें से ये हुसना है? अल्लाह अकबर, तवज्जो, या ये हुसना मुबालगे का सीगा है। पढ़े लिखे दोस्त तशरीफ फरमाए, बड़े आराम आराम से बातें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हुसना मुबालगे का सीगा है, भाई इन्हें यूं समझ लीजिए, यूं समझा देता हूँ। जिस तरह हमारे यहाँ बड़ा उसे अरबी में कहा जाता है कबीर, तवज्जो है, इसी कबीर के मुबालगे का सीगा है अकबर, तवज्जो है, अकबर। अकबर का मानी अक्सर ये कर दिया जाता है सबसे बड़ा, जहाँ सबसे बड़ा आना शुरू हो जाए वहाँ तकाबुल होता है। सबसे बड़ा नहीं, अकबर का मतलब होगा बेमिसाल बड़ा, अल्लाह अकबर, बेनजीर बड़ा, तवज्जो है। इसी अकबर का मुअन्नस है कुबरा, तवज्जो, बेमिसाल और बेनजीर बड़ा मर्द अकबर, बेमिसाल और बेनजीर बड़ी मस्तूर कुबरा, बाएं ही सगीर के लिए छोटा सगीर, इसी का जब मुबालगा किया जाए असगर, सबसे छोटा नहीं बेमिसाल कम से, हाय हाय काश कोई लफ्जों को समझ रहा हो, बेमिसाल कमसिन लड़का असगर, बेमिसाल कमसिन मस्तूर सुगरा, और ये कमाल हुसैन का है, सारे बेमिसाल भी उसी के घर हैं, सारे बेनजीर भी उसी के घर हैं। अल्लाह अकबर, या सलामत रहे, मौला आपको ज्यादा अता फरमाए। बाएं ही जिस तरह अकबर है कुबरा है असगर है सुगरा है, वैसे ही हुसना है, हुसना बेमिसाल अच्छे नाम। तो अगर ये बेमिसाल अच्छे हैं तो फिर अच्छे कौन से हैं? तवज्जो अज़ान मोहतरम, अगर ये 99 बेमिसाल अच्छे हैं तो फिर अच्छे कौन से? चलें, मैं इस फलसफे को सारी लुगत की बहस को ही छोड़ता हूँ, कुरान मजीद की तरफ चलता हूँ। सूरह हाशर है और बिल्कुल आखिरी आयात में खुदा बंदे आलम ने अपने कुछ असमा बयान किए हैं, वो मालिक भी है, वो कुद्दूस भी है, तवज्जो है। और फिर इरशाद फरमाता है हुवल्लाहुल खालिकुल बारीउल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना, वो खालिक भी है, बारी भी है, मुसव्विर भी है, और उसके असमाए हुस्ना भी है। तवज्जो 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 अज़ान मोहतरम, खालिक भी है, बारी भी है, मुसव्विर भी है, और उसके असमाए हुस्ना भी हैं। इसका मतलब ये हुआ खालिक और बारी और मुसव्विर के अलावा कोई और हैं जो असमाए हुस्ना है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए, जो इस मुश्किल मंजिल पे मेरे साथ शामिल हैं, इनके अलावा कोई और है कि जो असमाए हुसना है? ये यकीनन असमा है, बड़े अच्छे असमा है, लेकिन असमाए हुसना इसके अलावा भी कोई है कि जिनके जरिए उसे पुकारना है। तो अब मेरे अल्लाह वो असमाए हुसना कौन से हैं कि जिनके जरिए तुझे पुकारना है? तो बईद नहीं उसकी आवाज़ आएगी, अगर सब कुछ कुरान में ही लिख देना होता तो 14 को भेजने की ज़रूरत क्या थी? अल्लाह अकबर, या जिस तरह तकरीर
अल्लाह। जिस तरह तकरीर के शुरू में अर्ज कर दिया था आपके सामने कि हुक्म वो देता है, तफसील इनके घर से बयान की जाती है। उसने बताया था कि नमाज कायम करो, कैसे करनी है इस घर ने बताया है। उसने कहा था रोज़ा रखो, कैसे रखना है इस घर ने बताया कि कैसे रखना है। वरना कुरान मजीद में ना नमाजों की तादाद है, ना रकात की तादाद है, ना तरतीब नमाज है। ये सारा कुछ हमें सीरत रसूल से मिलेगा, सीरत मोहम्मद वाले मोहम्मद से मिलेगा। बाएं ही कह तो दिया गया कि उसे असमाए हुसना के जरिए पुकारो, तो अब इन्हीं से पूछते हैं कि वो असमाए हुसना क्या है। कुरान मजीद से तो हमारे लिए मसला बन रहा है कि वो मुसव्विर गफार कहार कहने के बावजूद भी फिर कह रहा है कि असमाए हुसना भी हैं, तो मेरे मौला ये असमाए हुसना क्या है। तो उस वक्त मेरे मौला ने इरशाद फरमाया, नहनु असमाउल हुसना, अल्लाह के असमाए हुसना हम 14 है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह के असमाए हुसना, बड़ी नवाज, अल्लाह के असमाए हुसना हम 14 हैं, हमारे जरिए खुदा को पुकारो। तो अब जब भी उसे पुकारा जाएगा, शर्त यह है वो जवाब तब देगा जब पुकारोगे। पुकारने की शर्त यह है इनके जरिए पुकारो, जो इनके जरिए पुकारेगा उसे जवाब भी आएगा। अल्लाह अकबर। और जो इनके जरिए नहीं पुकारेगा उसे ना जवाब आना है ना उसके लिए कोई नतीजा निकलना है। तो उसे पुकारना है तो इनके जरिए पुकारो। और यहीं पे बात अपने दोस्तों के सामने अर्ज कर देना चाहता हूं, ये पुकारने की शर्त कि अस्माए हुसना के जरिए पुकारो, ये सिर्फ मेरे और आपके लिए नहीं, आदम से लेकर तादम कयामत यही शर्त है कि उसे पुकारो और उसे अस्माए हुसना से पुकारो। ये शर्त भी सिर्फ मेरे और आपके लिए नहीं, आदम भी पुकारेगा तो इन्हीं अस्माए हुसना के जरिए पुकारेगा। अल्लाह अकबर। उसका कोई नबी पुकारेगा तो इन्हीं अस्माए हुसना के जरिए पुकारेगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने भी जब मैंने कहा ना इतना रोए कि गढ़े आंसुओं से भरने लगे, तो अगर मामला सिर्फ उसको इन लफ्जों के साथ पुकार के दुआ कर लेने का होता तो शायद पहले आंसू पे ही बात मुकम्मल हो जाती। तवज्जो अज़ान मोहतरम, ये गढ़े भरने की नौबत ना आती, ये गढ़े भरे गए और फिर जिब्रील नाजिल हुए। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी, तू पहला पहला नबी है खुदा का इस जमीन पर, वो जो खुदा है ना वो कैफियतों से बाला तर है, तवज्जो है, उस पर रोने धोने का असर नहीं होता। तो फिर जिब्रील कैसे माफी मांगू, कैसे माफी मांगू उससे। तो जिब्रील ने पलट कर कहा, बताने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अगर आपने पूछ ली है तो बताए देता हूँ, वो जिन के सदके खिलाफत मिली है ना, हाय हाय, वो जिनके सदके खिलाफत मिली है उन्हीं के सदके से दुआ मांग, उन्हीं के सदके से माफी मांग, तो फिर तुझे माफी भी मिल जाएगी, तेरी दुआ भी मकबूल हो जाएगी। और फिर यहां से आदम ने कहा था, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक्के मोहम्मद व अंतल महमूद व बिहक्के अली व अंतल आला व बिहक्के फातिमा व अंत फातिरुस समावात वल अर्ज व बिहक्के हसन व अंतल मुहसिन व बिहक्के हुसैन व अंत कदीमुल एहसान। ये वो दुआ है जो तुम्हारे बाप ने मांगना सिखाई है। तवज्जो है बनी आदम। अल्लाह। और जो औलाद बाप के रस्ते से हट जाए वो बाप की नहीं रहती, उसके बारे में खुदा को भी कहना पड़ जाता है, लैसा मिन अहले, कि ये तेरे अहल में से नहीं है। तवज्जो है। इसलिए औलाद आदम है तो फिर मांगनी यही दुआ पड़ेगी कि इनके सदके से हमारी दुआ को मकबूल फरमा लीजिए। फिर नूह की दुआ का तस्किरा किया था आपके सामने कि हजरत नूह ने फरमाया, या रब इन्नी मकलूब उन फन तसर, ऐ मेरे अल्लाह मैं मकलूब हो गया, मेरी मदद फरमा। दुआ इतनी नहीं है, मैं एक तकरीर में पहले ये अर्ज कर चुका हूँ कि जब दुआ मांगी हजरत नूह ने तो खुदा ने वहां से एक तख्ती नाजिल की। तवज्जो है कि ए नूह इस तख्ती वालों के सदके दुआ मांग और इस तख्ती को अपनी कश्ती में नसब कर ले ताकि तेरी कश्ती को निजात मिल जाए। और वो तख्ती पिछली सदी में दरियाफ्त हुई। इस फकीर के पास उस कश्ती की तस्वीर, उस तख्ती की तस्वीरें मौजूद हैं, कोई देखना चाहे तो अभी दिखा सकता हूँ। उस तख्ती के ऊपर वो जो उस तख्ती पर बना हुआ था पंजा, तवज्जो है, पढ़े लिखे दोस्त तशरीफ फरमा है, तख्ती पे क्या बना हुआ था पंजा, और उस पंजे की हर उंगली में कुछ ना कुछ लिखा हुआ था, उस पंजे की हथेली में भी कुछ लिखा हुआ था। इसका मतलब हुआ ये लिखे हुए पंजे हमने नहीं बनाना शुरू किए। अल्लाह
हाय दारी, ये लिखे हुए पंजे हमने बनाना नहीं शुरू किए, ये लिखे हुए पंजे वहां से आना शुरू हुए हैं। हम तो बस सुन्नत इलाही पे अमल करते चले जा रहे हैं। हाँ हाँ, और फिर जब वो लिंग्विस्टिक्स के माहिरीन को दिया गया तो उन्होंने 3 साल की रिसर्च के बाद उन्होंने ये ऐलान किया और बाकायदा रिसर्च पेपर छपा, और रिसर्च पेपर भी मेरे पास मौजूद है जिसमें ये लिखा हुआ है कि इस उंगली में लिखा हुआ है मेरे अल्लाह तुझे मोहम्मद का वास्ता, यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे अल्लाह तुझे अली का वास्ता, यहाँ लिखा हुआ है तुझे सैयदा का वास्ता, यहाँ लिखा हुआ है तुझे हसन का वास्ता, यहाँ लिखा तुझे हुसैन का वास्ता, यहाँ लिखा हुआ है सुर्रियत हुसैन का वास्ता। फिर इतना ख्याल करना, अगर नूह का सफीना निजात 14 के बगैर पार नहीं लगता तो रोज़े मैशर तुझे इनके बगैर निजात मिलने वाली नहीं है। अल्लाह, यार इसीलिए सलामत रहे, इसीलिए यार इसीलिए हजरत नूह की दुआ आगे बढ़ी तो उन्होंने ये कहा, या रब्बे इन्नी मगलूबन फंतसर बेहक मोहम्मद व आले मोहम्मद। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। और फिर इब्राहिम तो दुआ ही इन्हीं के लिए मांग रहा है कि इनको मेरी ज़ुरियत में करार दे देना। हर नबी इनके सदके दुआ मांगता चला जा रहा है। सारे जहान की दुआएं अगर मुस्तजाब होंगी तो फकत इनके वसीले से। हाँ हाँ, हत्ता के रोज़े मैशर अगर मगफिरत मिलेगी तो भी इनके वसीले से, क्योंकि रोज़े मैशर, ख्याल रहे इस बात का, रोज़े मैशर अमल लेके पेश ही अली की बारगाह में होना है। अल्लाह अकबर। इस साले सवाब की मजलिस से मैंने समेट दिया अपने बयान को इसी जुमले पे, रोज़े मैशर अमल लेके कहाँ जाना है। हाँ हाँ, और अपनी तरफ से नहीं कह रहा, अभी एक पूरा अशरा पढ़ा है अमीर मोमिनीन की ज्यारत पर कि जो इमाम नकी अलैहिस्सलाम ने तालीम फरमाई है। उस ज्यारत में मेरे मौला ने अपने जात को सलाम करते हुए कहा, सलामु अलैका या मीज़ान अल आमाल। अल्लाह अकबर। हाँ हाँ, ए आमाल के मीज़ान अली तुझे सलाम है। बल्कि शाम में जनाब सैयदा आलिया के हरम में जो शहजादी की ज्यारत लिखी हुई है, उस ज्यारत में भी यही जुमले लिखे हुए हैं, अस्सलामु अलैके या बिन्त मन अलैहि हिसाबुन नास, उस बीबी पर सलाम जो उसकी बेटी है जिसके जिम्मे बंदों का हिसाब है। अल्लाह अकबर। रोज़े मैशर मुहतसिब अली है, तवज्जो है अज़ान मोहतरम। इसलिए वो जो वहां का मुहतसिब है उसके साथ राबता रहे, और ये भी ख्याल रहे बस आखिरी जुमला, और मुखलिस होके मशवरा दे के मैंने समेट लिया अपने बयान को, जब ये तय है और आपके अकायद का हिस्सा है कि रोज़े मैशर आमाल अली को पेश करने हैं, तो फिर इतना ख्याल रहे ये ना हो कि आमाल की किताब अली के सामने पेश करते हुए सर शर्म से झुका हुआ हो कि ऐ मेरे अली, आमाल तो ले आया लेकिन परेशानी ये है कि इन आमाल में तेरी विलायत ही नहीं है। अल्लाह अकबर। सलामत रहे मौला आपको। हाय हैदरी। हाँ हाँ, अली मौला, अली मौला, या रोज़े मैशर मगफिरत का वसीला यही है, दुनिया में दुआ कबूल होने का वसीला यही है। जिन्हें खुदा के यहाँ अपनी मगफिरत का, अपनी दुआओं की कबूलियत का वसीला बनाना था, अजब यह है कि उसी घर की बीबियाँ शाम और कूफा के बाजार में। मुझसे पहले जनाब किबला इमरान साहब आपके सामने कैद से रिहाई का मंजर पेश कर रहे थे। जब इस तवील कैद से रिहा होकर अली की बेटी मदीना वापस पहुंची है ना, इस हाल में वापस पहुंची है कि मदीने के बाहर सैयद सज्जाद से कहा कि सैयद सज्जाद, बशीर से पूछो, इसका बाप शायर था, बशीर शेख कह लेता है। इमाम ने पूछा तो बशीर ने कहा, जी हुजूर, कोशिश करता हूँ, शेर कह लेता हूँ। इमाम ने फरमाया, फिर तू मदीने में जाके बता, मोहम्मद का ख़ानदान उजड़ के आ गया।
अजरुकना वाला आपकी हाय कबूल करें। पैगाम मदीने पहुंचा, मैंने पैगाम की सारी तफसीलात नहीं बयान करनी। पैगाम मदीने पहुंचा, पहले पहले मिलने के लिए जनाब मोहम्मद हनफिया आए, और जब सैयद सज्जाद से पूछा ना मेरी बहन जैनब कहाँ है, तो सैयद सज्जाद ने एक खैमे की जानब इशारा किया, इस खैमे में है अली की बेटी। जनाब मोहम्मद हनफिया खैमे में पहुँचे और खैमे में मौजूद सारी मस्तूरात को देखकर हैरान होकर पूछने लगे, इनमें जैनब कौन है? अल्लाह अकबर, अजरुकुमल्लाह। हाँ हाँ, इस हाल में मदीने आई थी कि अपने नहीं पहचान सके। हाँ, पहचानते भी कैसे कि शाम के बाजार से गुजरते हुए ऐलान हुआ था, जिसने अली से बदले देने हैं, अली की बेटियों को शाम के बाजार से गुजारा जाएगा। और फिर ऐसे गुजारा गया कि लिखने वालों ने लिखा कि बहुत अरसे के बाद दूर से आया हुआ एक शख्स शाम के बाजार से गुजरा, तो उसे दीवारों पर लगा हुआ खून नज़र आया। उस खून की मकदार का अंदाज़ा यहाँ से लगा लीजिएगा कि कितना खून था, उसके सवाल से अंदाज़ा लगाइएगा। उसने एक दुकानदार के पास जाके सवाल किया, तुम्हारे शहर में कुर्बानी के जानवरों का खून साफ नहीं किया जाता? हाय 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 हाय, तुम्हारे शहर में कुर्बानी के जानवरों का खून साफ नहीं किया जाता। शामी था लेकिन आंखों में आंसू आ गए, कहने लगा, कुर्बानी के जानवरों का खून नहीं, मोहम्मद की बेटियों का खून है, औलाद अली व बतूल का खून है। लोग पत्थर मारते थे, कभी एक दीवार के साथ, कभी दूसरी दीवार के साथ, और सिर्फ थोड़े नहीं थे मारने वाले। मैंने एक जुमला कहना है जिसके लिए ये सारी तमहीद आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ। जिन्होंने शाम की ज्यारत कर रखी है वो इस फ़कीर के जुमले की गवाही देंगे, जो नहीं गए जब जाएं ये अमल करें। मैं जब जाता हूँ अपने गिरिए के लिए ये अमल ज़रूर करता हूँ। जहाँ शाम का बाज़ार ख़त्म होता है और जहाँ से दरबार शुरू होता है, दरमियान में एक छोटा सा मैदान है, एक छोटा सा फासला है बाज़ार और दरबार के दरमियान में। जब रोशन गर्दी साहब, जमील गर्दी साहब, जब मैं जाता हूँ, उलमा तशरीफ़ फरमा है, मैं उस बाज़ार से दरबार के फासले को अपनी कदमों से नापता हूँ। कुल 72 कदम का फासला है। इन 72 कदमों पे इतना रश था, अली की बेटी को 72 घंटे लग गए। रो के कहती रही, रास्ता छोड़ो, मैं मोहम्मद की बेटी हूँ। लोग कहते रहे, पत्थर मारो, ये अली की बेटी है, पत्थर मारो, ये बागी की बहन है। अजरुकुमल्लाह, 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 वाला की हाय कबूल। हाँ हाँ, ये पूरा बाजार नहीं, यही वो मंजिल है जिस मंजिल पे 15 अजानें सुनी है अली की बेटी ने। ये वो 72 कदम की मंजिल है जहाँ पे 15 अजानें सुनी है। और जब वापस आ गई है ना मदीने, बस एक लफ्ज़ मुझे और कहना है, जब वापस मदीने आ गई तो फिर हर रोज़ अपने घर में मजलिस मुनक्कद करती, मदीने की मस्तूरात आती हैं, नबी की बेटी, अली की बेटी उनके सामने करबला के मसाइब बयान करती है, कभी अली अकबर की बर्छी बयान करती है, कभी अली असगर का तीर बयान करती है, कभी कासिम के टुकड़े बयान करती है, कभी अब्बास के बाजू बयान करती है, कभी हुसैन का 13 ज़रबों से सिवा होना बयान करती है, करबला के मसाइब मुसलसल बयान करती है, और हर रोज़ बयान करती है। और मदीने वाले गिरिया करते हैं, मदीने वाली बीवियाँ रोती हैं, बहुत गिरिया करती हैं। एक दिन जनाब मुस्लिम इब्ने अकील की बहन शहजादी खड़ी हुई मसाइब के दौरान, और खड़े होकर हाथ को जोड़ कर कहा, अली की बेटी हर रोज़ शहीदों के मसाइब पढ़ती हो, हम रोते हैं, हम गिरिया करते हैं, सारी ज़िंदगी रोएं तो रोना थोड़ा है, लेकिन एक सवाल अली की बेटी इजाज़त दो तो तुमसे करना चाहती हूँ, एक सवाल आपसे करना चाहती हूँ। जनाब जैनब ने कहा, हाँ पूछो, क्या पूछना चाहती हो? खुदा की कसम, सवाल ही कयामत है और इस पे हाय निकल जानी चाहिए और आंखों से आंसू आ गए तो मेरे और आपकी भी और मरहुमा की बुलंदी दर्जात का सबब बन जाएगा। रो के कहने लगी, अली की बेटी, सिर्फ पूछना ये चाहती हूँ, ये तेरे चेहरे पे जख्मों के निशान कैसे? हाय हाय, अजरुकुमल्लाह, अजरुकुमल्लाह, ऐ बिन्त ज़हरा, ये आपके चेहरे पे जख्मों के निशान कैसे हैं? ये चेहरा जख्मी क्यों है? बस कयामत का सवाल कर दिया बीबी ने, और अब अली की बेटी ने रोते हुए पलट के उसमें सवाल किया, कहा, मुझे ये बता, अगर कोई तुझे पत्थर मारे तो चेहरा कैसे बचाएगी?
अल्लाह अकबर अजरकुम अल्लाह। अगर कोई पत्थर मारे तो चेहरा कैसे बचाएगी? कहने लगी बीवी अगर कोई पत्थर मारेगा तो मैं हाथों से अपने चेहरे को बचाने की कोशिश करूंगी। उस वक्त जनाब ज़ैनब ने रो के कहा ये बता अगर तेरे दोनों हाथ यहाँ बांध दिया जाए फिर चेहरे को कैसे बचाया जाएगा। रो के कहने लगी सारे सफर में 1400 मील लोग पत्थर मारते रहे मेरे दोनों हाथ यहाँ पे बंधे हुए थे। कोई पत्थर मेरे सर पे लगता था कोई पत्थर मेरी पेशानी पे लगता था कोई पत्थर मेरे चेहरे पे लगता था। ये जितने निशान हैं ये करबला से लेके शाम तक लोगों के पत्थरों के निशान है। वसैया अल्लामुल्लज़ीन ज़लमु अय्यमुन कलबिन यनकलबून वलानतुल्लाहि अला आदाएहिम अजमईन। या अल्लाह हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में मंजूर मकबूल फरमा। इसके सदके बानियानी मजलिस पर हाजरीन मजलिस पर अपनी रहमतों का नजूल फरमा। बिलखसूस जनाब मरहूमा मफूरा सैयद सैयदा ज़ैनब आलिया बिनते सैयद मकबूल अहमद शाह गर्देजी मरहूम इस ख़ानदान के दीगर तमाम मरहूमिन आपके तमाम मरहूमिन और वो जिनका कोई दुआ करने वाला नहीं रह गया मेरा अल्लाह उन तमाम की कब्रों पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमा। उनके गुनाहाने सगीरा और कबीरा को माफ़ फरमा। कब्र और मैशर की मनाजिल आसान फरमा। शिफात मोहम्मद वाले मोहम्मद नसीब फरमा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जन्नतों में आला मकाम अता फरमा। उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमा और ऐसे काम करने की तौफीक अता फरमा जो मरहूमा के लिए सदका जारिया करार पाएँ। मेरे अल्लाह तू बेहतरीन मेज़बान है तेरे हुजूर मेहमान बना के भेजा है हक़ मेज़बानी अदा फरमा। जनाब सैयदा के जवार में आला मकाम अता फरमा। जितने अहबाब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं इनके गम में शरीक हो गए हैं गो के उनके गम में शरीक होने कोई नहीं आया कि जिनका गम दुनिया से सबसे बड़ा गम था। होना तो ये चाहिए था कि लोग उनके दरवाज़े पर आकर ताज़ियत करते अफसोस करते लेकिन अजब ये है कि मुस्तफ़ा से लेकर आखिरी अली तक इस घर से जनाजे उठते रहे और लोग इस घर को बर्बाद करने आते हैं। मेरे अल्लाह तुझे वास्ता है ये जितने यहाँ मौजूद हैं इन सब पे अपनी रहमतों का नजूल फरमा। परेशानियों को दूर फरमा हाजात को पूरा फरमा रिस्क में इजाफा फरमा। लाखों दुआओं की एक ही दुआ वारिस ज़माना का ज़हूर जल्द फरमा। हमें मौला के नौकरों चाकरों में शुमार फरमा। इमाम की कुर्बत नसीब हो दूरी नसीब ना हो खात्मा बिलखैर हो अकायद हक्का के साथ। अल्लाहुम्मा कुन ले वली कल हुज्जत इब्न अल हसन सलावातो का अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िह सआत व फी कुल्ली सआत मिन सआत लैल व नहार वलियम व हाफिज़म व काइदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्के न हु अर्ज़कतो अन व तुमत्ते अहू फी हत اللهم صل على محمد وعلى محمد واجل فرجهم وساهل مخرجهم والقدوهم من الجن والانس من الاولين والاخرين يا كاشف الكرب عن وجه الحسين عليه السلام اكشف كربي وكرب المؤمنين بحق اخيك الحسين عليه السلام ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل